इस हादसे के बाद से वो बिल्कुल चेंज हो गया है। मेरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं। वो समझता है कि जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार डैड है, इसीलिए वो हम में से किसी से बात ही नहीं कर रहा, और तुमसे भी नहीं। अच्छा नीलम, प्लीज तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा पप्पू? उसने मुझे सफाई में बोलने का एक मौका तक नहीं दिया। अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? नीलम, ये वक्त उससे बदगुमान होने का नहीं है। वो कितनी मुश्किल में है, एकदम से उसका पूरा घर उजड़ गया है। मैं जानती हूँ पप्पू, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, लेकिन वो मुझसे बात तो कर सकता है ना? क्या मैं उससे बात नहीं करूंगी? क्या मैं उसकी गलत फहमी दूर नहीं करूंगी? बस खत्म हो गई उसकी मोहब्बत, नफरत करता है वो मुझसे। मोहब्बत करने वालों के दिलों में नफरतें नहीं होती, और देखो ना वो किस कदर मुश्किल में है, मुसीबत में है, और सबसे बढ़कर ये कि बतूल उसके साथ है। वो पल पल उसके दिल में शक व शुभार डाल रही होगी, पता नहीं क्या क्या कह रही होगी उसे तुम्हारे खिलाफ। जब तक तुम उसे खुद न मिल लो, उसे खुद बात न कर लो, उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई बदगुमानी अपने दिल में मत लेके आना नीलम, प्लीज। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। ये मेरे घर में शोक का समा क्यों है? क्या मेरे घर में भी बाप की मां का शोक मनाया जा रहा है? आपको लगता है कि वो एक्सीडेंट मैंने करवाया? नहीं, मैं बुजदिल नहीं, छुपके वार नहीं करता। जो कुछ करना होगा मैं सामने करूंगा, डंके की चोट पर। किस गलत फहमी में से बोलोगा? कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? और बतूल जी, जो भी है मैं तो परेशान हूं, उन्होंने आपके खिलाफ एफआईआर कटवाई है, अब आप इस केस से बाहर कैसे निकलेंगे? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप शाम को मीठे चावल बनाइए और गरीबों में बांट दीजिए। मीठे चावल? मगर आप तो कभी भी नजर नियाज नहीं करते। आप करूंगा। अच्छा, मैं जान सकती हूँ ये न्यास किस चीज की है? इतना काफी नहीं है कि मेरी बेटी का रिश्ता उस घर में नहीं हो रहा? कोई बात कीजिए प्लीज। इंतजार था ना, तो चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में
शेर जैसी ना, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान, खुश रहो पाकिस्तान। बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।